तहसील शाहबाद के ग्राम देवीपुरा में आए दिन मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने कुछ दिनों पूर्व राशन की दुकान को निरस्त कर दिया था। नया राशन विक्रेता न होने के कारण कुछ दिनों के लिए राशन की दुकान को चौकोनी के राशन डीलर के पास अटैच कर दिया गया था। ग्रामवासियों की परेशानी को देखते हुए नए राशन विक्रेता का चुनाव कराया गया, जिसमें दो लोग थे, नेपाल सिंह व रूप किशोर, जिसमें नेपाल सिंह को ग्रामवासियों ने भारी वोटों से विजयी बनाया। ये चुनाव आज हुआ है, ये किस चीज का चुनाव हुआ है? ये सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान का वो जो है चयन हुआ प्रत्याशी के, जो सस्ता गल्ले विक्रेता पंचायत। अच्छा, कौन कौन थे इसमें? इसमें दो लोग सामने आए कि रूपकिशोर सनाब रघुवीर और नेपाल सिंह जयपाल सिंह। तो इसमें विजय कौन हुआ? इसमें विजय हुए श्री नेपाल सिंह पुत्र जयपाल सिंह, इनको 422 मत, वो जो गांव वालों का जो नहीं वोट नहीं गांव वालों का समर्थन समर्थन प्राप्त हुआ समझे, और बाकी रूपकिशोर रघुवीर सिंह को इनको 373 लोगों का जन समर्थन प्राप्त। सर किसी तरह की कोई दिक्कत आई उस समय? कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत मतलब साधारण रूप से और सामान्य रूप से शांतिपूर्ण कार्य हुआ। नेपाल सिंह सर, आज ये आप चुनाव जीते हैं, इस तरह आपको कैसा महसूस हो रहा है? सही महसूस हो रहा है, जनता ने हमारा सही सहयोग किया है, अच्छा समर्थन दिया है। अच्छा, तो इससे में आप किस तरह से दुकान चलाएंगे, किस तरह से राशन? सभी जनता का सहयोग करेंगे और सही से दुकान चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आए जनता के लिए। अच्छा, राशन कार्ड जो है सभी के नए बनवाएंगे और जो यूनिट कट गए हैं वो नए बनवाएंगे। सर जो पिछले जो इलेक्शन हुआ है, पिछले जो डीलर साहब जो भी थे, ठीक है, ये क्यों मतलब हटाए गए, किस कारण? ये सर इन्होंने ये बोल दिया कि विपक्ष ने दबाव के कारण प्रस्ताव करा दिया, ये राजनीति जो राजनीति के दबाव के चलते ये प्रस्ताव मान्य नहीं किया गया, और बाकी तो विपक्ष के लिए जो भी परेशानी थी विपक्ष को निष्पक्ष कार्रवाई। अच्छा, इसमें जनता का मतलब क्या रहेगा, जनता का किस तरह का माहौल है? जनता का हमारे प्रति बहुत बढ़िया माहौल है और सभी का सहयोग है, बढ़िया है और सही करेंगे सभी के साथ।